साथियों, पिछली सरकारें कहती थी बुंदेलखंड तो बिहड़ है बिहड़, वहां कौन जाएगा। मैं कहता हूं बुंदेलखंड वीरता और विकास की धरती है। और मैं वो कहते थे कौन जाएगा, मैं कहता हूं कौन नहीं आएगा। आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यहां विकास को रफ्तार दे रहा है। एक्सप्रेसवे के किनारे उद्योग धंधे लग रहे हैं। हमीरपुर में बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं। सुमेरपुर में सीमेंट फैक्ट्री भी लगी है। भाजपा सरकार देश में दो डिफेंस कॉरिडोर बना रही है। मोदी ने तय किया एक डिफेंस कॉरिडोर वीरों की धरती बुंदेलखंड में बनेगा। हमारा प्रयास है कि युवाओं को बुंदेलखंड छोड़कर के जाना न पड़े। हमारा संकल्प है बुंदेलखंड उद्योग और रोजगार का केंद्र बने। साथियों, सपा कांग्रेस के कुशासन में बुंदेलखंड ने कितनी पीड़ा झेली है, कितनी बदहाली यहां हुई थी, ये लोग भूले नहीं हैं। एक जमाना था जब सूखा बुंदेलखंड की पहचान बन गया था। बूंद बूंद पानी के लिए हमारा बुंदेलखंड तरसता था। और सपा कांग्रेस की सरकारें क्या करती थी, योजनाएं निकालती थी, फीते काटती थी, दिए जलाती थी, अखबारों में एडवर्टाइजमेंट देती थी और फिर पैसा खा जाती थी। गर्मी में पानी की ट्रेनें चलाने की नौबत आ जाती थी। इतना ही नहीं, दुर्भाग्य तो वो था कि लोग स्टेशन पर जब ट्रेनें चलती थी वहां पहुंच करके शौचालय में जो पानी आता है ट्रेन में, उसमें से भी पानी भर करके घर लाने ले जाने के लिए एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करने की नौबत आती थी। आज जो नई पीढ़ी के लोग हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, शायद न उन्होंने ये देखा होगा न सुना होगा। मैंने बहुत सालों तक यहां संगठन का काम किया है, मैं आपके दर्द को जानता था। और मेरे गुजरात में इस क्षेत्र के बहुत लोग रहते हैं, उनसे मेरा बड़ा निकट नाता है। वे जब यहां का वर्णन करते थे आंख में से आंसू आ जाते थे। लेकिन सपा कांग्रेस ने यही हाल बना रखा था बुंदेलखंड का। साथियों, इन लोगों ने सूखे को, ये तो बुंदेलखंड की किस्मत है, हम क्या करें, हाथ ऊपर कर दिए थे। लेकिन साथियों, चुनौती को चुनौती देना, उसका दूसरा नाम है मोदी। और चुनौती से जो टकराता है वही तो मोदी कहलाता है। लेकिन आपने आपके इस सेवक मोदी पे भरोसा किया। मोदी ने इस संकट से लड़ने के लिए खुद को खपा दिया। हमने जल जीवन मिशन शुरू किया। सिर्फ 5 साल में हमने 12 करोड़ से ज्यादा घरों तक नल से जल पहुंचाया है। हमने इस क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में पानी की टंकियां बनवाई है। आज इस क्षेत्र में 400 से ज्यादा गांवों में पानी पहुंच चुका है। करीब 2.25 लाख घरों में शुद्ध पानी के कनेक्शन दिए जा चुके हैं। मैं बुंदेलखंड में काम की रिपोर्ट लगातार लेता रहता हूं। जो समस्याएं बची हैं उन पर भी काम चल रहा है। हमारी सरकार ने केन बेतवा लिंक परियोजना पर भी काम शुरू कर दिया है।
और केन बेतवा लिंक कैनाल के लिए हमारी सरकार आपको पानी मिले, आपकी पानी की समस्या दूर हो, इसलिए मोदी ये सरकार 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। जब ये योजना पूरी होगी तो बुंदेलखंड के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू होगा, विकास को नए पंख लग जाएंगे। और याद रखिएगा, ये योजना सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही पूरा कर सकती है, और इसलिए बुंदेलखंड के तेज विकास के लिए मैं आपके पास भाजपा को आशीर्वाद देने के लिए, मांग करने के लिए आया हूं।